अरे ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट था. स्टार परिवार अवार्ड्स मेरे शो जिस चैनल पर है उसका एक अवार्ड है, इतना खूबसूरत एंड द इवेंट हमेशा इतना अच्छा होता है. आई एम सुपर एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड. इस बार क्या अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो आप स्टार परिवार अवार्ड्स से? बार कुछ नया करते हैं, इस बार क्या नया कुछ होने वाला है, अगर आप उस बारे में कुछ बताना चाहें और इसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? देखिए थोड़ा बायस होगा पर मैं अपनी ऑन स्क्रीन बेटी कुल्फी और सिकंदर जी की परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसी के लिए सबसे ज़्यादा मैं तालियां बजाने वाली हूँ. सो यस, लुक के बारे में इंडियन जितना निम्रत के क्लोज और जितना मैं खुद अपनी स्किन में कंफर्टेबल हूँ वो मैं पहनना चाहती थी. सो और कुल्फी की चॉइस भी थी मेरी बेटी की कि नहीं आप तो साड़ी पहनो, पहले ओके वो जो कहेगी ओके. रियल लाइफ में भी हमारा कुछ इस तरीके का एक बॉन्ड है. थैंक यू. बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं और मोहसिन और शिवांगी आप कुछ और भी कर रहे हैं? हाँ हम मैं साथ में हम होस्टिंग भी कर रहे हैं. सो विल बी होस्टिंग द शो यर स्टार परिवार अवार्ड्स और साथ में जो हमारा परफॉर्मेंस है बहुत ही प्यारा है. उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट जो है वो बहुत रोमांटिक है और दूसरा पार्ट जो है वो बहुत रोमांचिक है. तो एक जहाँ पे यू विल सी द फन साइड, द चाइल्डिश नेचर ऑफ कार्तिक एंड नायरा, दूसरी तरफ वहीं पर आपको उनका प्यार, उनका मैच्योर लव एंड अ ब्यूटीफुल रोमांटिक एक्ट देखने मिलेगा. So divided into two और हम वो करेंगे जी. हमारी आई एम एक्साइटेड फॉर हिज परफॉर्मेंस. आई एम एक्साइटेड फॉर हर परफॉर्मेंस. आई वांट टू सी हाउ बेटर शी डज देन मी ऑब्वियसली. किस गाने पे, किस पे क्या होने वाला है? दो गाने होने वाला है. यस द रोमांटिक वन इज नींद चुराई एंड द सेकंड वन इज तेरा फितूर मुझ पे चढ़ गया. जब से चढ़ गया जब से नो तेरा फितूर जब से चढ़ गया तेरा फितूर मुझ पे चढ़ गया मुझ पे चढ़ हां मुझ पे चढ़ गया. एग्जैक्टली. बहुत खूबसूरत लग रही है शिवांगी, आप इसके बारे में बताइए. ड्रेस बहुत ही, आई थिंक आई टुक रेड कार्पेट रियली सीरियसली. आई एम वेयरिंग अ रेड कार्पेट राइट नाउ. नो आई एम लविंग माय लुक. द गाउन इज 50 kg एंड इट्स वेरी हैवी बट थैंक गॉड मुझे उठाना नहीं है. बट तुमने मुझे 50 kg में भी आराम से उठाया पूरे शादी के जोड़े में. I'm loving my look and you know I always try to do something different and kabhi successful hota hai kabhi nahi hota hai wo sab log aap log decide karte hai to but I'm very happy with my look. I'm loving it. It's very different. I think aisa maine to abhi tak nahi pehna hai kabhi aur I don't matlab maine dekha bhi nahi hai but okay maybe shayad pehna ho but maine kuch alag karna chaha aur main bahut khush hoon. Mujhe bhi mera look bahut pasand hai. Maine bhi blue suit pehna. Mujhe bhi koi pooch lo. Mohsin is helping me and there are others also who are helping me. So it's fine. I'm good. हम लोग बाद में से बिछा के सो जाएंगे. आपका शो नॉमिनेटेड है अवार्ड. Yes, yes, of course. ये रिश्ता क्या कहलाता है, nominations है and we're keeping our fingers crossed for all the awards और इंशाल्लाह हम जितना हो सके उतने awards हमें मिले and we really, 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 really hope के हमें तो मिले please. Best जोड़ी. Best जोड़ी. परफॉर्म कर रहे हैं दादा, परफॉर्म कर रहे हैं और कुल्फी परफॉर्म कर रहे हैं और तेवर परफॉर्म कर रहे हैं. तो वी आर वेरी हैप्पी एंड हमें बहुत सारा चेयर करने वाले हैं. हम सब नॉमिनेटेड हैं और आई होप इवन जीते ना जीते पर इतना प्यार मिलना ही इज सो गुड. इट्स सच अ कूल फीलिंग. इतना अच्छा लग रहा है कि शो को इतना प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच. आउटफिट मैंने बनाया है, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है. अपने आउटफिट के बारे में बोलिए. किसकी चॉइस है इतनी प्रिटी आउटफिट? आई मीन किसने चूज़ की होगी? शी इज़ वेयरिंग. किसने बनाई है आपके लिए? कीर्ति दीदी ने बनाई है मायरा के लिए और मैंने चूज़ की. थैंक यू. थैंक यू. Yeah, I am excited and this is my first experience to be a part of Star Parivaar Awards 2018. आपकी परफॉर्मेंस है? नहीं. नॉमिनेटेड है आपका? या
और उसके बाद के बारे में बताइए, बड़ी प्रिंसेस लग रही है, डॉल सी लग रही है। थैंक यू। एंड मैंने फुल गाउन पहना है और लाइक स्लीव्स पहना है, हाफ स्लीव्स। दैट्स इट। मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये बहुत सालों बाद मैं स्टार परिवार खेल कर रहा हूँ। मेरा पहला स्टार परिवार था जब मैंने मिली किया था 2006। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम रियली होपफुल दैट आई विन एन अवार्ड बिकॉज आई नेवर वन एन स्टार परिवार अवार्ड। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहला स्टार परिवार अवार्ड जीतूँ। आई एम नॉमिनेटेड इन फोर कैटेगरीज एंड आई रियली विश आई विन दिस टाइम। I'm very excited to be a part of Star Parivaar. My performance? Sorry, come again? On-screen family is excited. Who is excited? Your performance? I'm performing Kulfi. और उनके मैं परफॉर्म कर रहे हैं और हम दोनों बहुत ही कमाल के डांसर हैं। आप देखना लेट देयर बी अ सरप्राइज। हां एक्चुअली लेट द सॉन्ग बी अ सरप्राइज। इट्स आई विल जस्ट गिव यू वन हिंट। वो मेरे शो का ही गाना है, तो एक ओरिजिनल गाना मेरे हमारे शो में यूज हुआ है बहुत बहुत बार। अदिति आज आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे। यस, आज बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। एंड इनकी फेवरेट कलर मैंने पहना है, इनका फेवरेट कलर है रेड और इनका फेवरेट आउटफिट है सारी, तो मैंने वही पहना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरी रेड हो गई हूँ एक्साइटमेंट में। ये एक्चुअली स्टार परिवार कैसा लग रही है? लाल। मैंने इस बारी एक्चुअली लुक पे टाइम स्पेंड किया है एंड आई हैव वर्कड ऑन माई लुक दिस टाइम। अदरवाइज नॉर्मली मैं नहीं करती इतना, बट दिस टाइम वॉज वेरी एक्साइटेड। सो इट्स अ रेड साड़ी, इट्स अ इंडियन साड़ी एंड जस्ट वेयरिंग साड़ी। Always want लड़के साड़ी पहनने का, कितनी सुंदर लगती है, कितनी इंडियन चीज़ है। आई एम नॉट वॉचिंग बट मैं ग्लिम्सिस थोड़े देख रही हूँ फॉर करणवीर वोरा, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई रियली होप ही विन्स। 10 साल बाद मैं स्टार परिवार में वापस आई हूँ, सो वेरी स्पेशल फॉर मी, वेरी वेरी स्पेशल। सेल्फ स्टाइल्ड हूँ बिकॉज मेरा खुद का ब्रांड है। आज मैंने अपना ब्रांड नहीं पहना, इट्स अ फ्रेंड्स ब्रांड कॉल द अरब क्रैब। वन शोल्डर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल्स एंड सिंपल एंड येट एलिगेंट। दैट्स हाँ जी, नॉमिनेटेड है बेस्ट परिवार के लिए। यस नज़र, यस हर्ष, ही इज़ परफॉर्मिंग, अभी फर्स्ट परफॉर्मेंस है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम ऑन स्टेज। उसकी एंट्री बहुत धमाकेदार होने वाली है ऐसा मैंने सुना है, सो आई एम होपिंग आई डोंट मिस इट। नहीं, बिग बॉस मुझे एक्चुअली वक्त ही नहीं मिल पाता है, सो आई डोंट रियली कैच अप ऑन इट। ओके, थैंक यू। बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पिछले साल एक्साइटेड था उससे डबल एक्साइटेड इस बार। परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ इस बार जी। वेल, वाइफ अभी नहीं है। हाँ, तो मतलब इट्स ऑलवेज लाइक कि जब भी मुझे साथ परिवार आना तो उनके साथ आना, और हमेशा अच्छा ही लगता है मुझे। वेल एंड आई थिंक सो, हमारे फैंस ने बहुत सारा प्यार दिया हमारे शो कयामत की रात को, एंड आई थिंक सो प्लीज़ जस्ट कीप ऑन लविंग अस द वे यू गाइस आर लविंग अस। चीयर्स। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हम लोग का तो परफॉर्मेंस होने वाला है। सो ऐसा है कि स्टेप याद है तुझे? हाँ, तुम्हें चेंज करना है, कोरियोग्राफी याद करनी है, साथ में सिंक में लाना है, चढ़ रहे उतर रहे लटक रहे ऊपर नीचे हो रहे अपसाइड डाउन हो रहे, तो बहुत सारी चीज़ है, मेहनत बहुत की है, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। वो हमारे नवाब साथे जो गाना हीट हुआ था ना, वो हाई रेटेड गबरू, वो तो हम लोग इसपे कर रहे हैं। या आज रात 8 बजे स्टार प्लस में आने वाला है डांस प्लस सीजन 4। सो आई होप लोग देखें, क्योंकि अब तक जितना प्यार दिया उसकी वजह से सीजन 4 आया। सो कंटिन्यू करें प्यार, बिकॉज इस साल माइंड ब्लोइंग। हाँ, इस बार बहुत अच्छे टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टैलेंट है, एंड ऑडिशन राउंड ही ऐसा हो गया जैसे गाला राउंड है। हाँ यार, सब बहुत तैयारी के साथ है, इट्स गोना बी वेरी 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 गुड सीजन। मेरा सबसे पहला सवाल यही था, क्योंकि ये शो का मैंने भी प्रमोशन किया है नासिक में, तो
मैं यही पहला सवाल था कि कौन बनेगा अभी, क्योंकि मुझे मेन जो लीड है वो पता है, बट मुझे ज़्यादातर के वेट उनका है कि वो कौन कैरेक्टर प्ले करेगा। सो देखते हैं जब भी आएगा तब पूरा फैमिली सुनने में हिना खान कर सुनने में है नहीं है तो मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा काम थोड़ी है सब। मैं तो एक्ट कोरियोग्राफ करता हूँ डांस प्ले सीजन 4 देखिए। किसके लुक आज का लुक क्या है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग किसी की शादी हो रही है उसके रिसेप्शन में जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग फॉर्मल पहनेंगे, स्लीक दिखेंगे, जेंटलमैन दिखेंगे, क्योंकि एक्ट में बहुत ही स्पोर्टी यंग एंड कूल वाला अवतार है, तो इधर इधर थोड़ा जेंटलमैन वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिजाइनर वेयर का कमाल है, मेरी फ्रेंड जिसने मेकअप किया है, दैट्स इट। रियली रियली वेरी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स इश्कबाज इज नॉमिनेटेड, यार मेरी फैमिली है, नॉमिनेशन तो हो गई ना। अनेका और शिवाय की जोड़ी के लिए आई एम ऑलवेज विद देम। पहले आप मुझे बताएंगे दोनों में से सब दोनों के नाम कौन से हैं? हाँ सृष्टि, क्रिस्टल डिसूजा आई थिंक। बहुत डिफिकल्ट होगा वो कैरेक्टर को उस चीज़ को ब्रेक करना, बट आई थिंक लोगों को आदत पड़ जाती है देखते देखते। सो एक महीने डेढ़ महीने के बाद लोगों को वो जो भी कैरेक्टर जो भी एक्टर प्ले करेगा उनको आदत हो जाएगी और डेफिनेटली वो भी फेमस हो जाएगा, आई एम सो श्योर अबाउट इट। आई लाइक हर मोर देन द अदर पर्सन, सो आई थिंक क्रिस्टल। रीज़न तो कुछ पर्सनल कुछ रीज़न नहीं है। थैंक यू, प्लेजर।